पश्चिम बंगाल की रहने वाली नाबालिग खिलाड़ी ने कोच पर 2 साल बाद बलात्कार का आरोप लगाया है। इस संबंध में आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। अजमेर दक्षिण पुलिस उपाधीक्षक मुकेश सोनी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के सोलन जिले की रहने वाली नाबालिग पीड़िता ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता के अनुसार वह अगस्त 2019 में अजमेर के मेयो कॉलेज में हो रहे स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने आई थी। इसी दौरान उन्हें आदर्श नगर स्थित किसी होटल में रखा गया, जहां हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एक कोच ने उसके साथ बलात्कार किया है। पीड़िता के अनुसार 2 साल तक वह घबराई हुई थी, इसलिए उसने शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसके बाद परिजनों के कहने पर यह शिकायत पश्चिम बंगाल के सोनल जिले में दर्ज कराई गई है, जहां से रिपोर्ट आदर्श नगर थाने में दर्ज की गई है। इस संबंध में आदर्श नगर थाना पुलिस जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल के सोलन जिले से एसपी साहब के द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस थाना आदर्श नगर में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 2019 के अगस्त में मेयो कॉलेज के अंतर्गत कोई गेम्स हुए थे और कंपटीशन के दौरान पश्चिम बंगाल की भी एक नाबालिग बच्ची यहां पर आई थी और उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि एक कोई हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति है जो यहां पर कोच था, उसने उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की। क्योंकि वो डर के मारे 2 साल तक बताया नहीं उसने, लेकिन इस संबंध में पश्चिम बंगाल में उसने रिपोर्ट दी। और चूंकि मामला आदर्श नगर थाना हल्का होने के कारण और आदर्श नगर के एक होटल के अंदर जहां पर इन लोगों को रुकवाया गया था, वहां कई घटना बताने जाने के कारण आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसके ऊपर आगे जाँच जारी है। लड़की नाबालिग 2019 के अंदर थी। कोच के द्वारा जी कोच पे कराया गया? हाँ, कोच के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि कोच ने उसके कोच का नाम, चूंकि अभी तक एफआईआर को हमने पढ़ा नहीं है, उसके बाद में बताएंगे।